रिस्क नहीं लेना है ना, अच्छे से एक बार में सिलेक्शन ले लेना। और ये नहीं रहना चाहिए धक 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 धक, मैं कोचिंग सेंटर या ट्यूशन कहीं गई ही नहीं, तो एकदम बढ़िया कर लेना है कि नहीं इस बार मेरा आएगा तो मेरा हो ही जाएगा, ऊपर से नंबर होंगे, मतलब 1 2 3 4। अच्छा कुछ करना है, खुद को सेफ रखना है ऑलवेज, तो कुछ तो थोड़ा सा ज्यादा करना ही पड़ेगा। जब एग्जाम हो ना तो भैया जो भी हो, बस एक रिक्वेस्ट सिंपल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हमारे साथ अमृता मैम है जो कि 2446 SI के थ्रू सिलेक्टेड हैं। जहां पर बिहार SI में सिलेक्शन लेना एक टफ वर्क होता है, वहीं पर मैम ने 2446 बैच में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो अलग बनाती है आपको और जो टॉपर की श्रेणी में लाकर रखती है, वो पढ़ाई के दौरान आपकी स्ट्रैटेजी होती है, आपका बुक लिस्ट होता है। और वही चीज़ आज हम मैम से जानेंगे। तो मैम से आज हम जानेंगे इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या बुक लिस्ट रही, क्या स्पेशल तरीके से इन्होंने पढ़ाई की कि आज ये इस मुकाम पर हैं और इतने अच्छे मार्क्स इन्होंने गेन किए थे एग्ज़ाम में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू द ऑन ड्यूटी। थैंक यू। सबसे पहले मैम आप अपना अंक बताएं हमें। 180.4। 180.4 नंबर थे आपके मेंस में। हाँ, 180.4 मेरे मेंस में नंबर थे। मतलब 90+ क्वेश्चन। हाँ, 90+ क्वेश्चन, करेक्ट। ओके, तो मैम कहीं ना कहीं ये जो 90+ क्वेश्चन होते हैं और जो इस BRSI में सिलेक्शन लेते हैं, BRSI में सिलेक्शन लेना ऐसा कहा जाता है कि एक टफ वर्क है, लेकिन आपने इतने ज़्यादा अंक लेकर आए, तो इस चीज़ के लिए आप कितने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे? मेरा प्री का भी वैसा कुछ प्रिपरेशन नहीं था, प्री भी बस ऐसे ही जनरल कैटेगरी में पास। अटेम्प्ट कौन सा था मैम? ये पहला ही था। अच्छा। इससे पहले दरोगा की कभी कोई, मतलब इससे पहले कोई दूसरा भी एग्जाम मेरा ज़्यादा नहीं था। एक दो बार मैं बैंक दी थी, वो मेरा एक बार में हो गया था, बट वो जॉब करनी नहीं थी तो मैं वैसे ही क्विट कर दी। तो ये दरोगा वाला मेरा फर्स्ट था, और प्री में कुछ खास नहीं, बस जनरल कैटेगरी पास, ठीक है एकदम, मतलब वहीं पे जाके बॉर्डर पे थोड़ा सा आगे जाके बस पास। ये मेंस में थोड़ा सा वो कोविड के वजह से टाइम ज़्यादा मिला, थोड़ी अच्छे से पढ़ाई हो गई। अच्छा, मैम प्री में आपका सिर्फ पास था बाउंड्री लाइन पर? हाँ, बाउंड्री लाइन पे तो था। कहाँ से मोटिवेशन मिला इतना कि मेंस में आप इतना अच्छा अंक गेन कर? नहीं, वो जो पास था वो ऐसे नहीं कि लड़की कैटेगरी में पास था, वो लड़के के जनरल कैटेगरी में मेरा पास था, बट उसमें ज़्यादा नंबर नहीं। जैसे उनका शायद 60-62 कितना कुछ गया था ऐसा, 66 नंबर्स का क्वेश्चन का था उनका, तो मेरा उतना ही था, वो 1-2 नंबर का ही आगे पीछे था, ज़्यादा नहीं था। तो वो 100 कितना था, 130-132 से ये 180 चला गया। तो ये कोविड का है, ये कोविड के टाइम में जो टाइम मिला पढ़ने का, सबको अपने अपने रूम में बंद होके घर पे रहने का, बस उसके वजह से ये 50 मार्क्स का जो ज़्यादा मिला है ना, ये कोविड के वजह से ही हुआ है। मैम कहीं ना कहीं कोविड में जहाँ पर ऑनलाइन रिसोर्सेस ही उपलब्ध थे, ऑफलाइन रिसोर्सेस था नहीं, टेस्ट की व्यवस्था नहीं थी, आप प्रॉपर बुक नहीं ला सकते थे जितना आपको ज़रूरत हो सकती थी, फिर इन सब चीज़ के बाद कहीं ना कहीं तैयारी थोड़ी सी कठिन भी हो जाती है। आसान तो थी पढ़ाई करने वालों के लिए, आसान भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मटेरियल जहाँ तक रिसोर्सेज की बात होती है उन सब चीज़ में कठिनाई भी होती है, तो उन सब चीज़ को आपने कैसे टैकल कर लिया? अरे कोविड के टाइम में सबसे पहला टाइम मिला प्रॉपर, जो बच्चों को चाहिए अभी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सबसे पहले टाइम चाहिए। पहली दफ़ा है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए जनरल से, मतलब जैसे मेरा, जैसे मान लीजिए दूसरा अटैम्प्ट होता या तीसरा होता मान लेते, तो इसमें मुझे थोड़ा सा कम टाइम चाहिए होता। लेकिन अगर ये पहला अटैम्प्ट है, जो भी बच्चे पहला अटैम्प्ट दे रहे हैं उनको थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो किस लिए वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम चाहिए, तो मतलब बच्चे सोचते हैं थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, काम तो करना पड़ता है। वो थोड़ा सा जो भी आपका सपना है, जहाँ पे भी आपको तैयारी करनी है, तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जैसे टाइम मिलने से क्या होता मेरे साथ, जैसे जो मेरा था वो मैं बताती, जैसे टाइम ज़्यादा मिला तो मुझे लगभग बुक्स पढ़ने का
का मौका। स्टैंडर्ड बुक्स जितनी थी मुझे पढ़ने का सबसे फर्स्ट मौका मिला, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड नंबर हुआ क्या, मुझे वो नोट्स पढ़ने के बाद भी उसका वो बनाने का, मतलब जो बुक्स पढ़ ली उसका नोट्स बनाने का भी प्रॉपर टाइम मिला। फिर क्या हुआ, ये दो हो गया फर्स्ट। सेकंड नंबर में हुआ कि मान लो कुछ और बुक्स या कुछ और मटेरियल मुझे मिले, जैसे ऑनलाइन मोड पे या कहीं पे भी जाके या फिर बुक्स के थ्रू, तो उसको फिर पढ़ने के बाद अपने नोट्स में थोड़ा और, मतलब वो इन्हेंस हो गई, थोड़ा और लिखने को मिल गया। ये तीन चार चीज़ें। और उसके बाद क्या होता था, रिवीजन, कि उसको कितने बार आप रिवाइज कर सकते हैं, कितना और उसको पढ़ सकते हैं। वो पढ़ाई बस सिर्फ मतलब कर लिया, बुक्स ख़त्म हो गई, ये मैटर नहीं करता। आपको मैटर करता है कि आप उस बुक्स के बारे में, मतलब उसका जो अंदर का कंटेंट है वो आप कितना अच्छा समझ गए। अगर याद हो गई चीज़ें, समझ आ गई, तो फिर वो मतलब सही है, फिर आपकी तैयारी सही जा रही है। और फिर उसके बाद क्या था, ये तो पहले हो गई मेरी एक लेवल पे कि ये एक काम मेरा फर्स्ट था, पहले बुक्स पढ़ लो, फिर उस बुक से जो सही लगा, जो नहीं याद रह सकती है चीज़ें, हर बार उसको रिवीजन की ज़रूरत होती है, तो उसका एक छोटा सा नोट्स बना के रखो डेट बाई डेट के साथ। उसके बाद जब वो नोट्स बन गई, तब जाके उसको, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर का अपने आप बहुत अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर का आपको रेलवे का चाहिए तो मिल जाता है, जिसका भी चाहिए जैसा स्टैंडर्ड है बुक्स का, तो मतलब एग्ज़ाम का, उसके अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर आप बैठ के लगाइए, देखिए जो आप पढ़ाई किए थे और अभी वाला जो है वो मैच जाता है कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि नहीं, ये ज़रूरी होता है। तो एक वो काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, दरोगा वाले में कुछ अलग क्या करना था, इसमें छोटा छोटा कंटेंट पूछता है, जैसे छोटा कंटेंट मतलब डेट, एडजेक्ट, प्लेस, ऐसा करके छोटा छोटा रहता है। एकदम स्टैटिक वाला एकदम मस्त है, कुछ ना कुछ छोड़ना उसको, मतलब कोई ना कोई कर लेगा तो नंबर या तो बढ़ जाएंगे या तो मेरिट बढ़ जाएगा। तो उसके साथ क्या करना है, तो मेरा जो था वो मैं बताती एकदम साफ, लूसेंट को याद करना है, उसको रिवीजन मोड में थोड़ा रखना है। वो आपको ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको तैयारी में बहुत हेल्प देगा, वो बस क्या करेगा ना, आपका जो कंटेंट वाला पोर्शन है ना, जो डेट बेस्ड है। लूसेंट को आप मटेरियल बुक के तौर पर रखे थे या फिर आप उसको रिवीजन बुक, रिवीजन मोड पे, बस सिर्फ रिवीजन मोड पे, कि उसको बस रिवीजन करना है कि क्या है कितना है। उसमें ना सबसे अच्छी बात है लूसेंट बुक के, एक तो रिवीजन हो जाएगा, बड़े शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे जगह पे ना फैक्ट लिख के रखा हुआ है, फिर क्या करता है डेट बड़े अच्छे से मेंशन किया हुआ है, ओ बस रिवीजन मोड के लिए बहुत अच्छी बुक्स है। छोटा छोटा फैक्ट अगर आपको और छोटा याद करना है, स्पीडी, रेलवे वाला स्पीडी, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दो हो गया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर सेट, अगर कॉन्फिडेंस आ गया है, जिसका मिले सॉल्व कर लीजिए। वो मेरा भी यही था, सबको जो मिल रहा था, जहाँ मिल रहा था, टेलीग्राम पे कुछ अवेलेबल था, कुछ रेलवे वाले में था, कुछ एसएससी का कुछ था, मतलब जहाँ जीएस पूछा हुआ था, वो सारा का सारा, मतलब सबको सॉल्व कर लो। जो नहीं सॉल्व होता था उसको मैं अलग से कॉपी पे लिख देती थी कि ये वाला नहीं पता चला, कहाँ से पूछा, तो उसको बस आंसर लिख लेके मैं छोड़ देती कि लास्ट में कभी हो जाएगा। बस ऐसे करके एक बसता है, एक और सेक्शन छोटा सा बसता है जो आपको प्री में काम आएगा, वो करेंट अफेयर वाला सेक्शन। करेंट अफेयर करने के लिए पहले तो स्पीडी बहुत बढ़िया बुक था, लेकिन अब वेडिटोरिया का भी मतलब बहुत सही है वो, हाँ वो बहुत अच्छा जाता है, इवन वो तो सिविल सर्विसेज में भी उसकी हेल्प ली जा सकती है, मतलब बहुत अच्छी बुक्स है। तो वो आप वेडिटोरिया पढ़ सकते हैं, फिर आप उनका सेट भी लगा सकते हैं, उनके सेट में भी बहुत सही सही है, वो भी बहुत अच्छा है। फिर आपको जो मिले ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मिले दोस्त दे दे, कोई भी दे दे, अब बस बैठ के फ्री टाइम जब भी हो अब लगाते रहो, बस बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, करंट अफेयर्स में जहाँ तक हम प्री की बात कर लेते हैं, तो प्री में करंट का रोल एक बड़ा रोल होता है, तो करंट को कब से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, एग्जाम से कितने दिन पहले, या फिर अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करें कि लग रहा है ऐसा कि वैकेंसी आने वाली है तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करें, कितने दिन पुराना लेकर चले? देखिए रिस्क नहीं लेना है ना, अच्छे से एक बार में सिलेक्शन ले लेना, और ये नहीं रहना चाहिए धक 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 कि मेरा होगा कि नहीं, मेरा होगा कि नहीं, कट ऑफ कितना जाएगा कितना जाएगा। तो हर बार ना एक छोटा सा काम कीजिए, पिछले बार जितना कट ऑफ गया ना, लगभग अपने आप को ही बनाइए कि इस बार ना उससे ज़्यादा जाएगा कट ऑफ,
पहला, जैसे ही वो पता लगेगा ना कि इस बार इससे ज्यादा जाएगा पिछले बार से, अपनी तैयारी उसी टाइप की कीजिए, मतलब थोड़ा सा और बढ़िया एकदम स्ट्रांग वाला। तो उस इसलिए क्या क्या करना चाहिए, तो करेंट अफेयर ना 6 महीने में भी कभी कभी काम खत्म हो जाएगा, कभी कभी 8 महीने में भी काम खत्म हो जाएगा, बट अगर बढ़िया करना है एक बार में श्योर आंसर, तो 1 साल का कम से कम पढ़ना चाहिए। 1 साल का कम से कम पढ़े, और अब तो स्पीडी भी ले ले और एक एडिटोरिया का भी मैगजीन ले ले। एडिटोरिया की मैगजीन तो अच्छी है, स्पीडी भी बेहतर है, दोनों करे तो शायद पीटी में तो बहुत कम, क्योंकि हम कितना रट पाते हैं ना उस पर डिपेंड करता है ना हमारा करेंट अफेयर। तो याद रखने का भी कुछ तरीका बना ले जिसको जैसे हो, कुछ लोग एकदम सीधा रट जाते हैं, रट ले, जिसको नहीं रटने का है तो वो कुछ कुछ बैठा बैठा के रट ले, किसी का जन्मदिन है तो वो तारीख याद कर ले, किसी का आसपास का कोई महीना है अपना जन्मदिन उस मंथ में तो उस तरीके से याद कर ले, जगह फेवरेट प्लेस है तो उसके हिसाब से उस जगह को याद कर ले कि ये मेरा फेवरेट, या फिर नहीं है तो मेरा घूमने का मन है वहाँ का, मान लीजिए वो भी नहीं है तो फ्लोरा और फाउना के हिसाब से उसको याद कर ले कि यहाँ पे ये फ्लोरा होती है तो ऐसा सीन होगा तो ये वाला, ऐसे करके कुछ भी बैठा के रख सकते, जो आपके दिमाग को सूट करे वैसे बैठा लीजिए। क्योंकि करेंट अफेयर याद करके जाना है, हाँ कुछ भी, मतलब जैसे आपको ठीक लगे, महीना आप जैसे फिक्स कर ले, अपना बर्थडे, किसी का बर्थडे, कुछ भी से, और फिर जैसे नाम अपने हिसाब से, कुछ भी एक छोटा सा भी वर्ड याद करेंगे लास्ट का, वो ऑप्शन में आएगा, वो आपसे हो जाएगा आराम से, वो वैसे करेंट अफेयर तो ऐसे ही। और कम से कम जैसे कि करेंट अफेयर है ना, एक बार आप नॉर्मल पढ़ जाओ, फिर क्या करो दूसरी बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, तीसरी बार और थोड़ा ध्यान दे दो, 4 बार बढ़िया से ध्यान देने के बाद वो रह जाती है दिमाग में, एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड जैसे भी हो वो बन जाएगा आराम से। मैम आप बोल रहे थे कि तैयारी के दौरान आप नोट्स तैयार करते थे, तो नोट्स किन सब चीज़ों का तैयार करते थे, मेनली आप जिस रिसोर्सेज को फॉलो करते थे? अच्छा मैम, इसके लिए आपने कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी से सब कुछ किया था? नहीं, कोविड के टाइम में कुछ कहाँ था किसी के पास, मेरी भी सेल्फ स्टडी थी, सिर्फ पढ़ने का था। तो नोट्स किन सब चीज़ों का तैयार करते थे? जो सब्जेक्ट मुश्किल है जैसे हिस्ट्री वास्ट है तो हिस्ट्री का, कहाँ से उसके लिए रिसोर्सेज क्या होते थे? रिसोर्सेज बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स थी कुछ, जैसे वो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, हाँ जैसे स्टैंडर्ड बुक्स क्या क्या थी जो मैंने पढ़ी थी, जैसे एक तो स्पेक्ट्रम थी जो सब करते हैं मॉडर्न इंडिया में, मैं पहले एनसीईआरटी भी, दारोगे के लिए जरूरी है कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ो? जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है जरूरी, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर सेफ रहना है ना बहुत अच्छा वाला, टाइम है आपके पास तो पढ़ लेना चाहिए, ऐसा है जैसे कि टाइम है तो पढ़ लेना चाहिए, जैसे कि अभी वैकेंसी की कुछ दिख नहीं रही है, अगर टाइम है तो पढ़ सकते हैं, या फिर जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में सोच रहे हैं कि इस नई अगले वैकेंसी के बाद वो सब कर सकते हैं। नहीं, सेफ रहना चाहते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कहते ना कि इतना क्यों पढ़े, अभी होगा कि अरे इतने से थोड़ी होता है, थोड़ा पढ़ के भी हमारा हो जाता है, हाँ सही बात है, लुसेंट पढ़ के भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत आप कोचिंग के मटेरियल ले लीजिएगा तो भी आपका हो जाएगा, बट आप कहाँ रहेंगे वो आपका वो रहेगा, अगर आप मगप अच्छा कर लिए तो चलो ठीक है 75 नहीं 80 पे चले जाएंगे, थोड़ा सा आप श्योर रहेंगे शायद मेरा मेरिट बन जाएगा, लेकिन आपको एकदम बढ़िया कर लेना है कि नहीं इस बार मेरा आएगा तो मेरा हो ही जाएगा, ऊपर से नंबर होंगे, मतलब 1 2 3 4 मेरे से ज़्यादा किसी को नंबर नहीं आएगा, या फिर 75 था मेरा 90 जाएगा, ऐसा कुछ होता है ना एकदम, तो उसके लिए थोड़ी तो एक्स्ट्रा मेहनत दूसरों से करनी पड़ेगी ना, कुछ तो लेना पड़ेगा ना। अब मान लेती मैं कि ठीक है स्पेक्ट्रम से एक सवाल नहीं पूछता, लेकिन आपको एक आइडिया दे देगा, वो जो एक होता है ना कि एक जो बना था हमारा कुछ भी, जैसे कोई भी एक मूवमेंट आप पढ़ते हैं तो उस समय का एक आपको आइडिया दे देगा, एक जनरल सी तैयारी दे देगी, मतलब कहानी टाइप की, उसके बाद आप जो फैक्ट भी याद करेंगे ना तो उस स्टोरी में ना फिट होता जाएगा, और उस स्टोरी में जब फिट होता है ना तो याद करने में बड़ा काम आता है। अब डायरेक्ट डेट बैठ जाओ याद करने, कोई एक डेट, आपको उसके आसपास का कोई इवेंट नहीं याद है वो डेट नहीं याद होगी, लेकिन आप कुछ आसपास का पढ़ेंगे ना तो वो डेट भी याद रह जाएगी। तो इसीलिए वो लोग बुक्स जो पढ़ते हैं ना, बुक्स जो फेवर के मतलब बोलते हैं लोग कि आप बुक्स के तरफ जाओ थोड़ा पढ़ लो, इसीलिए ताकि वो आपको ना एक कॉन्टेक्स्ट बना के देगा, ठीक है, और जब एक कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा ना तो धीरे धीरे उसका कंटेंट भी आपको याद होने लगेगा और बातें भी समझ में आने, वरना तो वैसे तो मतलब नॉर्मल वन लाइनर की किताब, तो वन लाइनर की किताब पढ़ के कहाँ लोग उतना कर पाते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए। एक होल्डर बनना है तो आपको
हाँ अच्छा कुछ करना है, खुद को सेफ रखना है ऑलवेज, तो कुछ तो थोड़ा सा ज्यादा करना ही पड़ेगा। और वो बोलते भी हैं कि आप लक्ष्मीकांत क्यों पढ़ेंगे, हाँ सही बात है मत पढ़िए, लेकिन कुछ सेलेक्टेड चैप्टर तो पढ़ ही लीजिए, क्योंकि उसके बाहर फिर वो डेट्स या हो या कंटेक्स्ट हो कुछ भी पूछे वो आपको जाएगा ही नहीं, तो कुछ तो पढ़ ही लेना चाहिए ना, थोड़ा सा तो किसी से आगे बढ़ना है तो करना ही पड़े। हर जगह लोग करते, स्कूल में भी लोग करते थे, ट्यूशन ले लेते थे, क्या था ट्यूशन, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, हो ही जाते थे, लेकिन ट्यूशन क्यों, क्योंकि कुछ दूसरों से आगे रहना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपको भी यहाँ करना है। अब पढ़ाई खराब नहीं होती है, अभी बहुत लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये कर सेलेक्टेड पढ़ के आप कितने साल में लोगे, आपको एक बार अच्छा है ना नॉलेज भी गेन हो जाएगा, आपकी सेलेक्शन तो रखी हुई है नॉलेज के बाद, तब पहले नॉलेज गेन कर लो एक अच्छी वाली, और थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए कि जब एग्जाम का टाइम हमारा आ गया, नोटिफिकेशन निकल गई, तो सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ो जो आपके एग्जाम में आएगी। मैम इसी चीज पे मैं आ रहा हूँ कि आपने जो नोट्स तैयार किए इसके लिए प्रॉपर बुक लिस्ट पे हम बात कर रहे थे। हाँ तो जैसे स्पेक्ट्रम क्या, आपने मॉडर्निस्ट, हाँ मैं मॉडर्निस्ट्री के लिए वो पढ़ी थी, हल्का फुल्का में मुझे ऐसे ही बैठे रहने पे पढ़ने की आदत थी, तो वो मैं एनसीईआरटी कभी कभी पढ़ लेती थी, और नया वाला में भी कुछ कुछ कंटेंट है आपको, उसके बाद मिडेवल के लिए भी वो सब एनसीईआरटी में मुझे मिल जाता है, मिल गया था वो सब। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, फिर आपका घटना चक्र का जो बुक है ना, जो मेन मतलब अच्छा बुक है, उसका जो वो क्वेश्चन से पहले जो 2-3 पेज है उसमें बहुत सारा फैक्ट जिसमें है, उसका पूरा मटेरियल दिया हाँ रहता है। उसमें बहुत फैक्ट है, उसको भी कर लेना चाहिए, ठीक है, तो उसका भी आप लेके बना सकते घटना चक्र हैं। में क्या करते हैं लड़के कि जितने भी क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करते हैं, उसका डिस्कशन देखते हैं। अच्छा, नहीं, उससे पहले जो उसका सारा डिटेल सारांश लिखा रहता है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वो ही पढ़ना चाहिए, है। हाँ उसको पढ़ने के बाद तो वो आगे वाला हो ही जाएगा, हाँ वो उसको पढ़ना चाहिए, उसमें ना वो बहुत सारे चीज कॉन्टेक्स्ट वाइज वो डेट वाइज सब बहुत अच्छे से लिखा, उसको पढ़ना चाहिए, उसका जो उस चीज का चीज, भी आप नोट्स तैयार करते हैं। हाँ जैसे जिस जो चीज मुझे याद नहीं रहती, हमेशा मुझे जाके बुक इतना मोटा सा बुक घटना चक्र देखना पड़ता, तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि कोई जैसे कि कुछ चीज है अब वो कहीं मिलती नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं लिखी थी, स्पेक्ट्रम में नहीं लिखा था, तो क्या करूँ वहीं से लिख देती थी नोट्स में, तो वैसे करके मेरे नोट्स थोड़े से ज्यादा पेज का नहीं है, हार्डली 10-15 पेज का ही होगा, ज्यादा मोटा नहीं है। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट एक वो हो गया आपको प्रीवियस ईयर, फिर जैसे और भी क्या था, एक वो लूसेंट, एक तो रिवीजन मोड वाला आपका लूसेंट था, आपको स्पीडी में भी कुछ फैक्ट मिल जाता आपको। ज्योग्राफी के लिए मेरा हमेशा से बेस बुक वो था, महेश बर्नवाल वाली सर की बुक थी, तो उसमें भी बहुत सारा फैक्ट है, तो वो काम का आ जाता है, फिर वो फिर उसके साथ आप सम अप कर लीजिए उसको, प्रीवियस ईयर वो जो है घटना चक्र वाली, उसको आप सम अप कर लीजिए और स्पीडी में भी देख लीजिए, उसमें से बहुत सारा आपको 3-4 बुक से कंटेंट आ जाएगा। फिर आपको और कौन सी बुक है, क्वालिटी में मैं सेलेक्टेड टॉपिक लक्ष्मीकांत में पढ़ी थी, तो उसमें से जैसे कि वो था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वो उसका 2-3 पेज बढ़िया। फिर उसके बाद आपको कौन कौन सा था, एफ आर काम, बस लाइन बाई लाइन जो थोड़ा सा ज्यादा डीप जाता नहीं है वो उसका काम का था, तो वो 2-3 चैप्टर डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी एफ आर ये सब ऊपर ऊपर वो ऊपर उसमें लिखा हुआ है, डेट वाइज लिखा था, प्रियम्बल का भी जितना भी था वो डेट वाइज पहली पेज में 3-4 लाइन पढ़ते वो वहां पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एक टॉप एक चैप्टर पढ़ जाना चाहिए उसका जो अच्छा है, पार्लियामेंट, उसको पढ़ लेना चाहिए, उसमें बहुत सारा बात मिल जाएगा आपको, और जैसे कि मतलब सब कुछ लगभग डेवलपमेंट सब कुछ उसमें है, तो वो एक चैप्टर मतलब मेरे हिसाब से लगता है उसको पढ़ जाना चाहिए, रेस्ट तो पूरी बुक्स की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर भी सब चलेगा उसमें से, तो वो एक काम का होगा, ठीक है। उसके बाद बिहार तो आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हिस्ट्री हिस्ट्री तो वही डेवलपमेंट हुआ है, तो उससे उतना बनेगा नहीं, तो उतना में काम आपका चल जाएगा। फिर थोड़ा सा बिहार में है तो थोड़ी सी ज्योग्राफी भी थोड़ा सा फोकस, जब पढ़ रहे हो हल्का फुल्का फोकस कर पढ़, क्योंकि डीप नहीं पूछता है वो, जनरल वे में पूछ लेता है, तो वो थोड़ा सा कर ले। उसके बाद और कौन सा सब्जेक्ट था, साइंस का, साइंस में तो भाई बहुत मतलब पहले तो था कि लूसेंट बेस्ट था, सिर्फ लूसेंट, तो एक अलग से ना स्पेसिफिक लूसेंट आती है साइंस की, उसको पढ़ लेना चाहिए, वो एनएफ है अच्छी, वो। हाँ हाँ वो सही है, वो बुक सही है, लेकिन अब जैसा कि अभी तक तो ठीक है, लेकिन कुछ सवाल तो इधर उधर भटक ही जाता है, तो कुछ सवाल अगर भटक जाए समय बहुत हो, एनसीईआरटी देख ले छोटा वाला क्लास का, वो
बस हो गया इतना ही, ये सब इतना भी कर लेने के बाद ना 80+ जाएगा स्कोर किसी भी आदमी का, अगर सही से दिल से कर लेना तो सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अब ये नहीं कि भाई अब मतलब मेरा 2 महीने बाद नोटिफिकेशन आने वाला है अब मैं ये सब करना शुरू करूँ, नहीं, इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम लगता है। इतना करना है ना तो फिर इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अगर आपके पास है अब 10 घंटा, मतलब 2-3 घंटा नोट्स बनाने में, 2-3 घंटा रिविजन करने में, 1 घंटा आप करेंट अफेयर पढ़ने में दे सकते हैं तो ही इतनी बड़ी प्रोसेस में जाए। वरना जो चीज अभी अच्छी है आपकी अब सबसे पहले उसी को पढ़ो, मतलब वो वाली चीज पढ़ने। जैसे मेरा अभी हिस्ट्री बढ़िया है मान लेती मैं, तो अभी हिस्ट्री मेरा बढ़िया, एग्जाम का मेरा टाइम आ गया तो अभी अपने पढ़े हुए चीजों को ही रिविजन करना चाहिए। नई चीज नहीं पढ़नी चाहिए, नई चीज नहीं सीखनी चाहिए, वो वही पढ़ के खत्म करनी चाहिए। और जब एग्जाम हो ना तो भैया जो भी हो बस एक रिक्वेस्ट सिंपल, अपने दिमाग के भरोसे मत जाना कि मेरा तो सब किया हुआ है। कॉन्फिडेंस उस दिन ही सिर्फ लाना एग्जाम के दिन कि मेरा सब किया हुआ है, हो जाएगा मेरे से, वो सिर्फ एग्जाम के दिन सुबह में। एक दिन पहले तक जितना हो सके ना सारा अपना नोट्स कॉपी स्पीडी सब रिवीजन करके जाना, जो जहां कुछ भी लिखा ना हर डेट जो जैसा सब देख के जाना। और अगले दिन बस एक ही वो रखना जो जैसा भी पूछेगा मेरा तो हो ही जाएगा, मतलब मेरे से सब क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा बस उस दिन सोचना है। उससे पहले ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि मेरा तो पढ़ा हुआ है सब हो जाएगा, वहां डेट पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत का सपना होता है सब इंस्पेक्टर बनना, अब इजिली बन जाओगे कोई बहुत बड़ी बात तो इसमें है ही नहीं। बस आपको सेल्फ स्टडी, दिमाग शांत, पेशेंस और बस आप पढ़ाई करो वो आराम से हो जाए, कुछ नहीं है इसमें। और कोई डाउट हो तो आप बताना, पढ़ाई से रिलेटेड वाला मैं डाल दूंगी सॉल्यूशन कि कैसे करना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कि आपने इतना इंपॉर्टेंट। अरे थैंक यू आप लोगों का, किसी को हेल्प मिल जाए, कोई अच्छा फील करे मुझे देख के तो बस इतना ही चाहिए।